राघवेंद्र, राघवेंद्र उठो, चलो उठो, वॉक करने के लिए जाना है। मैं नहीं आऊंगा, आप जाइए। तुम्हें मैंने इस तरह से यहाँ पर याशी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने कहा ना, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। तू तो क्या, तेरा बाप भी जाएगा। मैं जानता हूं, आप भी यही चाहते हैं ना कि मैं भी पापा की तरह चला जाऊं, पर मैं पापा नहीं। राघव, माफी मांग दद्दू से। राघव, क्यों माफी मांगू मैं? क्या गलत काम है? प्लीज मीरा, प्लीज राघव। रिक्शा। अब भैया रोको 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 रोको, ये तो विषय का। अब भैया एक मिनट रुकना। हाय इशिका। हाय। तुम रिक्शा के लिए वेट कर रही हो? कम विद मी, हम एक साथ चलते हैं ना कॉलेज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा रिक्शा ले लूंगी। देखो, इस रोड पर वैसे भी रिक्शा नहीं मिलती, और ये सब टेंट्रम्स ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। जस्ट कम विद मी, लेट हो रहा है। भैया चलो। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे तुमने सच कहा था, इस रोड पे रिक्शा ढूंढने में हमेशा टाइम लग जाता है। वैसे मुंबई में सब कुछ ढूंढने में बहुत ही टाइम लगता है। एनीवेज, तुम बताओ, यहाँ अच्छे से सेटल हो गई? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ। नॉट बैड। वैसे यू नो व्हाट, पहली बार मैं तुम्हें नॉर्मली बात करते देख रही हूँ, दैट टू विद अ स्माइल। नहीं तो हर बार वही शिकायत, आंसू, लड़ाई। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसी स्ट्रेंज चीजें होती रहती है। यू नो व्हाट, मेरे साथ आजकल जो हो रहा है, अगर तुम वो सुनोगी ना तो तुम अपनी बात वापस ले लोगी। क्या, क्यों? अभी यही देखो, कॉलेज के एक महीने बाद हम एक दूसरे से ऐसे ठीक से बात कर रहे हैं, क्या एक कम स्ट्रेंज है? एनीवेज, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। ओह गॉड, ये मुंबई की ट्रैफिक भी ना, 20 मिनट ट्रैफिक में फंसकर अभी जाके रास्ता क्लियर मिला। अब भैया सामने से राइट लेना। लगता है मुंबई में लोगों की आधी जिंदगी रोड पर ही निकल जाती होगी, वो सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करते करते, है ना? अरे वाह, तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। नहीं नहीं, प्लीज इस बार मैं पे करती हूँ। चले। हे राघव। हाय। हाय यशिका। बाय हुमा। क्या हुआ है? अब तक तो ठीक थी। क्या, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कर दिया, बट आज तुम दोनों एक साथ,
क्या बात है? हाँ, वो मैं इसे जितनी स्टूपिड समझती थी ना, नहीं है नहीं. She's sweet. Anyway, see ya, हाँ? Bye. कैसे मनाऊं चीमी को? Good morning, guys. Good morning. Good to see everyone on time. Sharon, इशिका का मैसेज आया था कि वो आज से रिहर्सल्स पर नहीं आएगी. Guys, तुम लोग वार्म अप कंटिन्यू रखो. You don't have to worry about that. All right? Raghav, I need to talk to you. Thanks, Raghav. Thanks for your help. तुम पर rely करके और शुड आई से तुम्हारी न्यू फाइंड को अकेडमी में एडमिशन देकर सबसे बड़ी गलती करती है. यू शुड बी सॉरी. इशिका ने डिसाइड कर दिया कि वो अकेडमी फिर से ज्वाइन नहीं करेगी और लास्ट मिनट एक अच्छी डांसर ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थैंक्स फॉर एवरीथिंग. शायद मैं इशिका से बात करता हूँ. बिल्कुल नहीं. See you in the evening, guys. हम आज फिर से फ्रेंड्स बने. ओके. ये क्या फ्रेंडशिप मन चल रहा है क्या? क्योंकि हुमा तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंड्स बना रही है. वो तुम्हें बताना भूल गया, मैं और हुमा भी नए नए फ्रेंड्स बने हैं. Isn't it, Huma? इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. तुम सुन तो लो इशिका. रिहर्सल से याद आया, आज क्लास के बाद हमारा रिहर्सल है अराउंड 2 o'clock. कूल. ठीक हूँ. वो क्या है ना, आज इशिका और तुम्हें एक साथ देख लिया और ऊपर से कर्मा आज तुम्हारे साथ, इतनी गुडनेस हैंडल नहीं कर पाया. Just shut up. Good morning, sir. Good morning. Please take your seats. जो स्टूडेंट सरप्राइज टेस्ट में फेल हुए हैं, उन्हें एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम्स में ऐड होंगे. और इस प्रोजेक्ट का टॉपिक आप सबको आज मेल किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट आप सबको परसों सबमिट करना है. इतना शॉर्ट पीरियड क्यों? फिर से फेल होना है क्या? जो लोग फेल हुए सो हुए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर राघवेंद्र जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, 16 out of 20. वेरी गुड. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ओके क्लास, चैप्टर नंबर 3. प्रोफेसर गुप्ता काइंडली विजिट प्रिंसिपल्स ऑफिस इमीडिएटली. Okay, students, we'll continue in the next class. Okay. Excuse me, sir. Sir.
ईशिका मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम समझती क्यों नहीं? मैंने एक बार कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझ में नहीं आता तुम्हें? राहुल क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? राघव हाथ छोड़ो, राघव मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। राघव प्लीज, राघव और आज तुम्हें अपनी मनमानी करने का मौका नहीं दूंगा ईशिका। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ जो मर्जी चाहे कर दोगी, मूड किया सेंट लुई एकेडमी ज्वाइन कर ली, किसी बात से बुरा मान गई तो एकेडमी छोड़ रही हो। दूसरों के बारे में सोचती भी हो ईशिका? शायरिन कितने दिनों से तुम्हारे पीछे मेहनत करिए पता भी है तुम्हें? मुझे लेक्चर देने से पहले तुम अपनी हरकतें देखो। जानता था तुम यही बोलोगी। और हां मैंने झूठ बोला मैंने। पर क्यों? क्योंकि सेंट लुई को एक डांसर की जरूरत थी, डांसर की, और एक अच्छी डांसर अपना टैलेंट छुपा रही थी ईशिका। मैंने बस उसका टैलेंट सबके सामने लाया। क्या गलत किया मैंने बताओ? क्या गलत किया मैंने? मुझे कहती हो अपनी हरकतें बदलो। नहीं मुझे बताओ, झूठ बोल के मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला झूठ बोल के? तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं अपने मतलब के लिए करता हूँ? सर देखो खुद को ईशिका, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। पहले दिन कैसी रही तुम, आज कैसी हो? वो डरी हुई सेम ही सी ईशिका, इसे बात करने से पहले भी डरती थी, आज सबसे बात करती है। उमा से फ्रेंडशिप कर ली, स्माइल करने लगी थी, और मुझे बोलती है हरकतें बदलो। फाइव सिक्स सेवन एट टू। हाँ नहीं ठीक था। नेक्स्ट शंकर है, नेक्स्ट शूटिंग याद है? चलो ready 5 6 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 and 1 guys mujhe na wo chemistry nahi dikh rahi hai। I want to see teri step soft hai karma and huma to be really aggressive okay। pass mein aaram se gaya sab softly okay and keep your toes pointed aur wo chemistry is more important wo dikh nahi rahi hai। ओके एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा वन सेकेंड, आप मुझे एक सिप देना प्लीज। क्यों हमारे पास नहीं है क्या? मेरे को कोल्ड है इसलिए मैं देना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट वन सिप। ए इतने पास से मत पी, छोटा हो जाएगा। ईशिका तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें स्माइल करते हुए कब देखा था? जब तुम डांस कर रही थी, डांस। उसी टाइम मैंने सोच लिया कि अगर डांस से तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, अगर डांस से तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाए, तो क्यों ना तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ का पार्ट बना ले। इसलिए मैंने ये छोटा सा झूठ बोल दिया। तो इसमें क्या गलत किया मैंने, ये बताओ ना मैंने क्या गलत किया? मुझे कहती हो अपनी हरकतें बदलो। किसी का तुम सच्चाई किसी को डिच ना करना, इन सब वैल्यूज को बिलीव करती हो ना, है ना? तो तुम क्या कर रही हो लास्ट मोमेंट पे सेंट लुई को डिच क्यों कर रही हो तुम? ईशिका अपने पार्टनर, अपने इंस्ट्रक्टर,
डांस मेनिया, अपनी खुशी, इनको क्यों डिच कर रही हो इशिका? मुझे कहती हो हरकतें बदल? राघव तुम नहीं, तुम बताओ मुझे, तुम सोचती क्या, बताओ मुझे। शैरन दूसरी डांसर नहीं ला पाएगी, जरूर लाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर खुद के बारे में सोचो इशिका, क्या तुम तुम्हारी स्माइल वापस ला सकती हो? और मुझे बोलती हो हरकतें बदल? राघव तुम नॉट अ वर्ड प्लीज जस्ट शट अप। आई एम नॉट ओवर तो मुझसे प्रॉब्लम है? ठीक, आज के बाद ना मैं तुमसे कभी बात करूंगा ना कभी मजाक करूंगा। मेरी हरकतें बदलना चाहती थी ना, लो बदल दी।